दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैक्टर बाजी में। तो आज हम आए हैं राजधानी ट्रैक्टर्स मोदीपुरम मेरठ, जहां पर हमारे सामने 241 DI मैसी फार्गुसन खड़ा है और हमारे साथ सर हैं। सर से हम इसकी सारी डिटेल्स डालेंगे कि इस ट्रैक्टर में क्या क्या खासियत है और क्या क्या बेहतरीन चीज़ें ये मतलब ट्रैक्टर कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं उन्हें अपना और अपनी जो एजेंसी है उसका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मगनवीर है और डीलरशिप का नाम राजधानी ट्रैक्टर मोदीपुरम। तो आज जो 241 जे मैशी फार्गुसन खड़ा है, सबसे पहले ये बताइए कितने सीसी के इंजन के साथ आता है? 2500 सीसी के इंजन के साथ है ये। बात करें इसके सिलेंडर, कितने सिलेंडर का ट्रैक्टर? 3 सिलेंडर का है। और हॉर्स पावर? 42 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। तो ये बताइए सबसे बेहतरीन तरीके से, जिसे कहते हैं बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से काम करने वाला, किस उस चीज़ के ऊपर ही सबसे बेहतरीन काम करता है? देखो मैसी के हाइड्रोलिक को जो आज लोग कोई चैलेंज कर नहीं पा रहा, नहीं करेगा। ऐसा क्या है मैसी के हाइड्रोलिक में, जिससे भी सुनता हूँ ये कहता है कि मैसी के हाइड्रोलिक से बेस्ट हाइड्रोलिक नहीं है किसी? मैसी के हाइड्रोलिक जो है वो सीट के बिल्कुल नीचे है गेयर बॉक्स में, और पूरा तेल मिलता है उसे और वहीं का वहीं छोड़ना पड़ता है। बाकी ट्रैक्टर जो हाइड्रोलिक है वो पीछे से आगे लगी हुई है और वहाँ से पाइपों द्वारा तेल आता है, जिसकी वहीं के वहीं हाइड्रोलिक में वहीं कमाई लेना और वहीं कमाई छोड़ना है। तो उसका मतलब क्या फ़ायदा होता है इसे? मतलब मैसी के हाइड्रोलिक, मैसी के ट्रैक्टर का जो पंप है वो कभी ख़राब नहीं होता, और यदि होता भी, पहली बात तो होता नहीं, और ये कोई चांस आता भी है तो उसकी रिपेयर होती है। आपको किसी भी उसमें मैसी के हाइड्रोलिक का नया पंप नहीं मिलने का, क्योंकि नए पंप की जरूरत नहीं पड़ती। बात करें और इसके ट्रैक्टर की चलाने की क्वालिटी, ब्रेकिंग क्वालिटी कैसी कैसी क्वालिटी है? ये डिस्क ब्रेक में भी है, ऑयल ब्रेक में, तो ऑयल ब्रेक में भी आ गया आपका जो है, ये 4 गियर में भी है और 5 गियर में आ गया ईगल। तो जैसे आपने बताया 4 गियर में और 5 गियर में, तो 4 गियर और 5 गियर में क्या फ़र्क आता है? जो था पहले 4 गियर इसमें क्या था, जैसे 4 गियर वाले में हमारे में जैसे रूटर चलाते थे तो उसमें पहले गियर की स्पीड थोड़ी कम रह जाती थी, दूसरे की ज़्यादा हो जाती, इसमें एक गियर 5 दिया और 5 गियर में कर दिया। अब पहले से लेकर और तीसरे तक रूटर चलाता है। और कुछ ऐसी सबसे खास बात इसके अंदर हो जो किसान भाई देखे कि हाँ अगर ट्रैक्टर लेना है तो 241 मैसी फार्गुसन लेना है, ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर हो? देखो इसका जो है सबसे बड़ी चीज़ इसकी रिटेल इतनी है, ट्रैक्टर को जहाँ रात को बिचाओगे तो रात को बिकेगा, अच्छे वो दे के जाएगा। मतलब एक तरीके से डिफाइन कीजिए थोड़ा सा, जैसा मान लिया ट्रैक्टर की इसकी रिसेल इतनी है, यदि ट्रैक्टर को बेचना है तो बहुत अच्छे पैसों में बिकेगा और भाग का एकदम मूवमेंट काफ़ी आएगा, नहीं एक आधा यार भाग गया। अच्छा मतलब किसान एकदम पकड़ेगा, क्या है रेट से बिकेगा, किसान एकदम पकड़ेगा इस ट्रैक्टर को जी। ऐसा क्यों होता है, मतलब मैसी के ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक और रिसेल वैल्यू क्यों इतनी अच्छी है, आप थोड़ा सा बताइए? वो एक पुरानी कहावत है वो ट्रैक्टर मैसी की देसी, तो ये ट्रैक्टर जो मैसी जो है मैसी अपने नाम से बिकता है, और जहाँ पे भी ट्रैक्टर खड़ा हुआ होता है ना ये, उस किसान को आदमी दूसरे तरीके से देखता है। मान लिया अभी किसान के पास कोई सा वो ट्रैक्टर खड़ा, तो देखेंगे शायद ये भाड़ा करता होगा या वैसा काम करता है, मैसी खड़ा चाहे वो भाड़ा भी करता हो, कोई आदमी ये निकलेगा ये भाड़ा करता है, रोड पे भी जा रहा तो ये देखेगा हाँ किसान जा रहा। लिफ्टिंग कैपेसिटी की, लिफ्टिंग सेंसिंग की, और मतलब कैसा कैसी काम है लिफ्टिंग कैपेसिटी का और लिफ्ट सेंसिंग का? लिफ्ट सेंसिंग इसकी जैसा महिंद्रा है या बाकी ट्रैक्टर वो ऐसे चलते हैं, जिसके जहाँ लिफ्ट छोड़ोगे वहीं का वहीं चलेगा बिल्कुल एक साल उसमें। मैसी के लिफ्ट में तो इसे कोई चैलेंज कर ही नहीं पाया ना करने का। ये हमारा फ्रंट एक्सल जो है इसका थोड़ा बैंड है, जिससे क्या फ़ायदा है, जैसे ही हम जो गन्ने की या वैसे जुताई करते हैं तो बहुत नज़दीक में वहीं का मुड़ के आता है, गन्ने को टूटता नहीं, दूर लोग घूम के नहीं आता। अभी देखे पहले क्या था, पहले हमारे इसमें 41 में नीचे पायदान थे, अब ऊंचे पायदान आ गए, पुश पैडल आ गई, वो ये ब्रेक कर दिया। और बात करें जब ट्रैक्टर रोड पे चलता है तो मतलब ब्रेकिंग भी क्वालिटी, चलाने की क्वालिटी कैसी है? मतलब जब ट्रैक्टर रोड पे चलता है तो मैस्ट्री का किसान जो है वो एक अपने को अलग ही फीलिंग करता है, मैं ट्रैक्टर पे जा रहा हूँ। मतलब ऐसा क्या खास है, मतलब जैसे आप बता रहे हो कि अलग ही फीलिंग लेता हूँ, मतलब ऐसा क्या है मैस्ट्री के फार्गुसन में, मैस्ट्री फार्गुसन में जो मतलब किसान बिल्कुल अलग फीलिंग? मैसी जो है एक वो पहले हमारे बुड्ढों की भी कहावत है कि ट्रैक्टर मैसी और घी देसी, उसी उस पर चला आ रहा है, और किसान जो है मैसी ट्रैक्टर को अपनी एक शान मानता है। और बात करें किस किस इम्प्लीमेंट पर कैसा कैसा काम करता है? इम्प्लीमेंट पर आप किसी भी चलाओ, किसी उसमें कम नहीं है ट्रैक्टर हमारा,
बात करें रूटर टीलर है, टीलर कोई भी चलाओ इसे किसी, और बात करें एवरेज वगैरह की, इसका एवरेज एवरेज हमारा सबसे बढ़िया एवरेज है। और हम मान लें कोई हमें चैलेंज करता है तो हम अपनी उस पावर के ट्रैक्टर को साथ चलाने के लिए तैयार हैं। फिर भी एक मतलब एक थोड़ा सा किसान भाई के लिए एक मतलब थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या एवरेज है लगभग इसका, अगर रूटर पर बात करें टीलर हैरोइन पर। देखो इसका जो अमूमन एवरेज आता है, अमूमन एवरेज बिगे पे आता है वो 700 से 750 ग्राम के करीब बिगे पे रूटर पर आता है। और बात करें इसके मतलब लाइट्स का थ्रो कैसा है? लाइट का थ्रो एक बार कम एकदम बिल्कुल कंफर्ट है, हेलोजन लाइट है इसमें, ट्यूब वगैरह है, तो हेलोजन लाइट के होने के बाद भी अच्छा थ्रो है। हाँ जी, पहला जो गियर बॉक्स था इसके पीछे से ये हल्का था, अब हैवी कर दिया एकदम, स्लिप वगैरह की जो पहले वो थी वो भी खत्म कर दिया। तो जैसे आप बता रहे पहले हल्का था और तो उससे क्या फ़ायदा होता है ऐसा, मतलब स्लिप की पोजीशन वो थी, स्लिप मार जाता था पहले ये हल्का होने की वजह से, तो अब जैसे भारी कर दिया तो स्लिप नहीं मारता, स्लिप नहीं मारता। और मतलब जैसे बात करें पीछे की तरफ इसमें लाइट दी गई है रात में काम करने के लिए, तो ये प्रॉपर वर्क करती है मतलब अच्छे तरह वर्क करती है। और बात करें इसकी सीट की, तो सीट का कंफर्ट कैसा है? सीट का कंफर्ट एकदम बढ़िया है। हम इसके टायर की प्रोफाइलिंग की, तो फ्रंट टायर कितने की प्रोफाइल में और रेयर टायर कितने की प्रोफाइल में है? फ्रंट टायर जो है 616 का है और पिछले वाला जो टायर है वो 1328 का है। बात करें हम इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो कितनी है इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी? 17 क्विंटल की है। 17 क्विंटल, तो 17 क्विंटल जैसे आप इस पर लेके चलेंगे तो फील नहीं कराने का कि 17 क्विंटल इस पर इस टाइम वेट चलता हुआ है। हाइड्रोलिक में तो कोई चैलेंज करने वाला ट्रैक्टर है नहीं। सर आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच, और ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाइक करते रहेंगे।